स्वेच्छासेवी अनुष्ठान रूपायण और राज्य सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग मिलित आनुकूल्य दुई मास धरी चली निशा निवारण अभियान उद्यापित हो परिप्रेक्षी में सदर ब्लक सम्मिलनी कक्ष में एक सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होता जिलापाल रमेश चंद्र राउत एथिरे मुख्य अतिथि भाव जोगदे रूपायणर जन सचेतनता कार्य को नहीं भूयसी प्रशंसा करते आगामी दिन में कार्यक्रम संगठन को प्रशासन पक्षर सब प्रकार सहयोग करने को जिलापाल श्री राउत प्रतिश्रुति तेब केवल रूपायण नुहे अन्यान्य संगठन माने आगे आसिले निशा निवारण संपर्क में जनसाधारण बेस सचेतनता सृष्टि हो पार बोली से मत प्रकाश करते जदि आम मद पीवा ना सरकार जिते दुकान खोल से दुकान गोटे ताला पड़ो बंद सीटा कथा नुहे खबर से प्रकाश कले मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करी भल कथा कहे आम सहजता सहित आम गुरुत्व सहित चिंता कर विषय बर्तमान आम पाखे उपस्थित हो आज जहाँ से भौणी जड़े कहले छोट पाटे भी मद पीवा को पछाऊना गेट बाहर आम बाहरी गला बुढ़िया किए गोटे मद बिकुची आम जिते सरकारी स्तर में उद्योग कले कौट चोरा मद कारबार होते छोट कथा कह आम रामनवमी आम कर पीस कमिट समस्ते कहले आजा जे आप मद दुकान से दिन बंद करदे मु कह ठीक अच्छे मोर जब क्षमता अच्छे बंद करने बंद कर दे कि मद लोक पीबे कहते आप ग्यारंटी देते कई मद दुकान बंद कई मद पीबे ना क्या दे हम ना कहीं दे हम ना जी मद पी कौ बाटे पीब कौन कर जाना आम जो बंद कर मद दुकान पूर्व दिन से मद को रखी थो तेनालीटा हूँ केवल गोटे कथा जे माँ भौणी मैंने जो कथा कहते बंद कराँच ग्रुप जरिया हूँ सब ठीक अच्छे सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कमलाकांत बेहरा एथिरे मुख्य वक्ता भाव जोग दे स्वेच्छासेवी संगठन मानक द्वारा सचेतनता भित्तिक कार्यक्रम में राज्य सरकार आभिमुख्य संपर्क में सूचना देते रूपायणर संपादिका समाजसेवी श्रद्धांजलि राय एथिरे सभापतित्व करने सहित संगठन कार्यधारा संपर्क में आलोकपात करते संग्राम जारी रही रूपायण तरफ सरकार सहायता आम पाक आस निश्चित भाव संग्राम जारी रही रूपायण जो प्रयास जो परिकल्पना एक सफल प्रयास परिकल्पना नहीं आपण मान पाखे पहुंची छु आपण सहानुभूति हेले निश्चित भाव आम आगे जीव बालेश्वर जो जिलार सब ब्लक आम करा ब्लक बहुत बाधाविघ्न भी आसी एगार ब्लक करा भितर बहुत जगार आमको प्रश्न आसी बहु समय जे गोटेपटे सरकार मद काउंटर खोलला भाई आ गोटेपटे सरकार केमती अवेयरनेस कैंप कर ए प्रश्न मत बहुत समय आमको आसी एटा निच्छक सत कथ कि यह देखा गले सरकार जब तरह व्यवस्था न रखि था सचेतनता न कर सरकार एक जो सचेतनता शिविर प्रत्येक ब्लक नुहे आम चेषा कर पंचायत मध्यम जी लगे स्कूल आरंभ हो गला तेणु सरकार देखिले जदि काउनसलिंग जरिया जो सफल हो पार केवल एकमात्र अस्त्र हो गांधीजी हिंसात्मक भाव में नुहे अहिंसा उद्यम जमी सफलतार पहाच में पहुंची पारी से सफलतार पहाच में पहुंची पार अभिप्रायस नहीं आम आप दंडाएं वरिष्ठ आईनजीवी प्रभाकर साहू विजय कुमार पाणिग्राही सदर ब्लक चेयरमैन नारायण प्रधान बीडीओ संकर्षण बेहरा प्रमुख एथिरे सम्मानित अतिथि भाव जोग दे सांप्रतिक समाज में वृद्धि पाउथिबा निशा कारोबार को नहीं उद्वेग प्रकाश करते तेब सरकारी अंकुश न रहा फल लाइसेंस प्राप्त मद बेपारी सीमा उल्लंघन करुवा अतिथि आरोप करते बर्तमान साधारण लोक मद पीछे एवं मद हूँ ओडिशा सरकार प्रथम एक्साइज ड्यूटी जो थी सरकार चलते समस्त को उच्च वेतन दिजिव सब प्रकार व्यवस्था कर मद एवं रेवेन्यू आम जो जो लैंड रेवेन्यू रूटा मुख्य व्यवस्था मोर कह कथा हूँ मैडम को तो निश्चित भाव धन्यवाद देवी इन स्पाइट ऑफ ऑल हर्डल्स सी ए अभियान टाक जारी रखिंट
ଆହୁରି ଅନେକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଦକୁ ଆଣିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ମୋର କହିବା କଥା। ଆମେ କମିଟେଡ୍ ନା ଆଗେ ସେଇଟା ଦେଖିବା କଥା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ହେବା ଦରକାର ଆଗେ। କିଏ ବଦଳିଲା ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗେ ବଦଳିଛୁ କି ଦେଖିବା କଥା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆଗେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନା। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକ, ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଇଛି, ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଦ କାଉଣ୍ଟରରେ ସେପରେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ହେଇନି, ଦେ ମେଡ୍ ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବେ ସେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଏଠି ସରକାର ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ, ସରକାର ଯାହା କଲେ ନ କଲେ, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ହିସାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ମଦ ଦୋକାନ ରଖିଦେବା, କଚେରୀକି ଲାଗିକି ରଖିଦେବା, ମୁନ୍ଲାଇଟ୍ଟା ତାକୁ କେହି ବିରୋଧ କରିବାନି। ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱରର ଲାଇକ୍ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହାଇସ୍କୁଲ, ତା ଗେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଚିୟର୍ସ ବାର୍ ରହିବ, ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଆସି ଖାଇ ପିଇ ପାରିବେ, ସବୁ ହେଇପାରିବେ। ସେଟା ପାଇଁ ସେଟା ବି ଜଣେ ଆମର ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ପୁଅ କରିବ, ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା, କେହି କହିବାନି, କହିଲେ ଖରାପ ହବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଅଜିତ ନାୟକ, ମହମ୍ମଦ ଇସଲାମ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ତାପସ ସାହୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱାଗତିକା ବାରିକ, ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ସଂଯୁକ୍ତା ତାଲଦି, ଅନିତା ବେହେରା, ଗୌତମୀ କୁଅଁର, ଅମ୍ବିକା ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।